1576 में आज एक दिन मुगल सेना ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को हराया। 1756 में आज एक दिन जॉन जेड हॉलवेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैन्य टुकड़ी ने बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 1862 में आज के दिन ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1912 में आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना आवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित जीवनी है। इस जीवनी रचना के लिए उन्हें पाल्बो नेहरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और अर्ध नारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मोती देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 1940 में आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का निधन हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। 1948 में आज के दिन सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। 1949 में आज के दिन राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1953 में आज के दिन दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ। 1967 में आज के दिन थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा का जन्म हुआ था। 1970 में आज के दिन इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो का जन्म हुआ। आज के दिन 1977 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीता। 1991 में आज के दिन पीवी नरसिम्हा राव भारत के नौवें प्रधानमंत्री बने। साल 2015 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्वभर में मनाया गया।